टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज 6 नवंबर का दिन सुपर 12 के लिए आखिरी दिन है। आज सुपर 12 के कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे और ये तीनों मुकाबले काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज इन तीनों मैच के परिणाम के बाद ही ये तय हो पाएगा कि ग्रुप 2 से कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। ऐसे में आज के तीनों मुकाबले के बारे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आज का कौन सा मुकाबला भारतीय समय अनुसार कितने बजे आरंभ होगा। आज भारतीय टीम भी अपना आखिरी सुपर 12 का मुकाबला खेलने उतरेगी। ऐसे में भारत अपना आखिरी सुपर 12 का मुकाबला कितने बजे खेलने उतरेगी यह भी जानना बेहद जरूरी है। आज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के लिए करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि अगर यहां दक्षिण अफ्रीका की टीम हार जाती है तो वह टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 पर ही आरंभ हो जाएगा। वहीं आज का दूसरा मुकाबला भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम अपना आखिरी सुपर 12 का मुकाबला खेलने उतरेगी। आज इस मैच में जो टीम जीतेगी वह भारत और जिम्बाब्वे के मैच के परिणाम का इंतजार करेगी, क्योंकि भारत और जिम्बाब्वे के मैच के परिणाम के बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। आज सुपर 12 का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 पर आरंभ होगा। वहीं आज का आखिरी मुकाबला भारतीय टीम का है और आज भारतीय टीम अपना आखिरी सुपर 12 का मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने उतरेगी। यहां भारतीय टीम जिम्बाब्वे को हराकर अपना सुपर 12 के सफर का अंत पॉइंट टेबल में टॉप स्थान हासिल करके करना चाहेगी। भारत और जिम्बाब्वे का यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 पर आरंभ हो जाएगा। आज के मैचों को आप भारत में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हैं तो डीजी प्लस हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। आज के मुकाबले संबंधित एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि आज के मैच की समाप्ति के बाद सेमीफाइनल का फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और यह फाइनल शेड्यूल सबसे पहले हमारे इस चैनल पर आपको बताया जाएगा। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।